नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 2 Pro 5G versus Xiaomi Mi 11X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 2 Pro में 6.43 इंच जबकि Mi 11X में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT 2 Pro में 2.94 इंच जबकि Mi 11X में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT 2 Pro में 0.32 इंच जबकि Mi 11X में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 2 Pro में 189 ग्राम जबकि Mi 11X में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT 2 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 2 Pro में 6.7 इंचेस जबकि Mi 11X में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT 2 Pro में 1440x3216 और Mi 11X में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 2 Pro में 88.9% जबकि Mi 11X में 85.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 2 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Mi 11X में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 2 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में माइक्रोस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11X की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT 2 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT 2 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Mi 11X में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 2 Pro में Adreno 730 जबकि Mi 11X में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Mi 11X में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Mi 11X में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Mi 11X में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो GT 2 Pro में Android V12 जबकि Mi 11X में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT 2 Pro में 5000 mAh जबकि Mi 11X में 4520 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें MI 11X की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,890 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,389 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme GT 2 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11X की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT 2 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Mi 11X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।